हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 13 हाउ मैनी डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 130। चैप्टर 13 हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स कितने। राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। तो बच्चों क्या लिखना है? नंबर ऑफ स्टिक्स, हमने स्टिक्स को काउंट करना है और इस बॉक्स में लिखना है काउंट करके कि ये हाउ मैनी कितनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये हुए 6, ऐसे हम बॉक्स में लिखेंगे 6। अब नेक्स्ट फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8। अब देखो जैसे कि हमने पीछे चैप्टरों में भी करा था, ये जो बंडल है ये क्या है? बंडल ऑफ स्टिक्स। ये क्या है? बंडल ऑफ स्टिक्स। और एक बंडल में कितनी है? 1 बंडल 10 ऑब्जेक्ट्स। मीन्स एक बंडल में कितनी स्टिक्स हैं? 10 स्टिक्स। तो बच्चों ये हुआ 110। तो 110 मीन इज इक्वल टू 10। तो ये अब ब्लूज हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो बच्चों ये भी 10, तो ये भी कितना हुआ? 110 110 110 कितना हुआ? 20, यानी कि 2 10s। तो कितने हुए? 2 10s। अब नेक्स्ट देखो, ये हमें फिर से बंडल ऑफ स्टिक्स दे रखा है, तो ये कितना हुआ? 110। और 1 2 3, तो ये कितनी हुई? 3, यानी कि ये क्या हुए? 2 digits नंबर। तो मैंने आपको ये समझाया हुआ है जिसमें वंस होता है और टेंस। तो हमारे पास वंस कितने हैं? 3, और ये 1, तो 1 3 13, तो 13 स्टिक्स हुई। अब नेक्स्ट फिर से बंडल ऑफ स्टिक्स, ये क्या हुआ? 110। ये टेंस और ये वंस देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये हुई 5। 110 means 10 और 5 कितना हुआ? 15, यानी कि 5 ones और 1 कितना है? 10s। अब next फिर से bundle of sticks, 110, यानी कि 110 is equal to 10। अब ones गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 plus 7 कितना हुआ बच्चों? 17, 7 ones और 1 10s। अब next फिर से ये bundle of sticks, तो 110, तो 110 इज इक्वल टू 10। अब वंस में देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वंस, ये हुए हमारे 10 और ये हुआ 1s। तो 10 प्लस 6 16, तो ये हुआ 16। अब नेक्स्ट पेज नंबर 131। तो 131 में क्या है? हाउ मैनी बीड्स। बीड्स मीन्स पर्ल्स, मोती, कि कितने मोती हैं। तो बच्चों 1 1 नेकलेस में कितने हैं? 10 10s। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 नेकलेस में, तो देखो कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स। तो ये कितनी हमारे पास नेकलेस है? 1 2 3, तो ये 10s, ये 10, ये 10, तो हमारे पास कितने 10s हुए? 3 10s। तो ये 3 10s मीन 3 into 10 30, तो 30 हो गए। और लूज में वंस कितने हमारे पास? 1 2, तो 30 प्लस 2 कितना हुआ? 32। 2 हुआ हमारा वंस और 3 क्या हुआ हमारा? 10s। तो बच्चों समझ आया? अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब ये फिर से 1 10, ये 2 10, ये 3 10, तो कितना हुआ? 30। अब वंस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 30 plus 9 39, 9 हुआ हमारा वंस और 3 10s। तो नेक्स्ट देखो बच्चों 1 10 2 10 3 10 4 10, तो कितने हुए? 4 10 means 40। और वंस में 1 2 3, तो 40 plus 3 43, 3 हमारा वंस और 4 क्या हुआ? 4 10s। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में 1 10 2 10 3 10 4 10s, तो कितने हुए? 4 10s, तो 4 10s means 40। अब वंस में देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कितने हुए? वंस, तो 45। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5, तो 5 10s, 5 10s means 5
इंटू टेन 50, यानी कि 5 tens, तो यहाँ पे कितना आएगा 50। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मच मीन्स कितना, बिन द बनानास कॉस्ट, तो बनाना की कीमत कितनी बनेगी, कॉस्ट मीन्स कीमत, कितने प्राइस बनेंगे। तो वन बनानास के लिए देखो बच्चों ध्यान से, कौन सा क्वाइन है, ये हमने लास्ट चैप्टर में करा था मनी में वन क्वाइन। तो देखो अब एक क्वाइन का एक बनाना, तो 3 bananas कितने के आएंगे, 3 coins के, तो यहाँ पे 3। तो हम ऐसे एक 2 का भी क्वाइन ले सकते हैं और एक 1 का भी, जा 3 1 1 के क्वाइन भी ले सकते हैं। तो बच्चों ये हुए 3 bananas 3 coins के। नेक्स्ट पेज नंबर 132, गिव नंबर नेम। तो बच्चों नंबर नेम मींस ये हमें नंबर्स में देखा है, हमने इसको नाम देना है। जैसे आप काउंटिंग में लिखते हो, जैसे 1 को आप क्या लिखते हो, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 के बाद क्या लिखते हो, 11, 11 ये मैंने आपको लास्ट चैप्टरों में करवा रखा है, 11 to 20। तो देखो बच्चों ये क्या है, 15, 15 क्या होता है, ये हमारा 5 क्या हुआ, 1s, और 1 क्या हुआ, 10s, तो 10 प्लस 5 यानी कि 110, और 5 क्या है हमारे पास, 1s, तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर नेम क्या देंगे, 15, FIFTEEN, 15, तो इसको 15 को क्या बोलते हैं, 15, ये हुआ इसका नंबर नेम, जैसे कि आपका नेम। अब नेक्स्ट में देखो बच्चों क्या है, हाउ मैनी टेंस, तो इसने क्या ले रखा है, 24, और ये क्या है, ये भी 2-digit नंबर है, 24, तो 2 हमारे पास टेंस है, और 1s कितना है, 4, तो हमने इसमें टेंस बताने हैं, तो टेंस कितने हुए, 2 tens, यानी कि 2 tens मीन्स 20। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास 13 नंबर है, 1, 3, 13, और 2, 6, 26, तो हमने इसमें विच इज द बिगर नंबर, बिगर मीन्स बड़ा, जो नंबर बड़ा होता है। तो बच्चों हमने फर्स्ट वीडियो में करा था बिगर और स्मॉलर, तो 2 नंबर्स में हमने बताना है 13 या 26, तो बच्चों देखो 13, 26, इसमें 3 1s है और 1s क्या है, 10s, और इसमें 6 1s है और 2 क्या है, 10s। तो बच्चों जब हमने बिग नंबर देखना होता है तो हम 10s को देखेंगे, ये हमारा 1 का नंबर है और ये 2 का, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1 क्या हुआ हमारा स्मॉल नंबर और 2 क्या हुआ बिग नंबर, तो हमारा कौन सा डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा, 26, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 26। तो बच्चों इसमें 2 निशान्स होते हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब जैसे हमने 13 लिया और 26, कई बार ये सब इस तरह भी आ जाते हैं, तो ये सिंबल होता है जहाँ इसका ओपन माउथ होता है, जिसकी तरफ हम करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, बिग, जिसकी तरफ ये जो है कौन, ये ट्रायंगल शेप में है, जो ओपन ट्रायंगल है जिसका ओपन माउथ होता है तो उसको बिग नंबर मानते हैं। अगर 13 13 होता तो हम क्या लगाते, इक्वल टू का निशान, अगर होता 8 और 13 तो 8 में से 8 क्या है 1-digit नंबर और 13 क्या है 2-digit नंबर, तो 13 बिगर नंबर, तो ओपन माउथ 13 की तरफ। अब इसमें ये 1-digit यानी कि 1 वाली लाइन और ये 2-digit है, तो 13 26, इसमें बिग नंबर क्या हुआ, 2 6 26। नेक्स्ट पेज नंबर 133, तो बच्चों ध्यान से देखना इन सारी पिक्स को, इसमें क्या है, एक फॉर्म है, फॉर्म मीन्स खेत है, इसमें कुछ क्या है, पेट एनिमल्स जिनको हम घर में भी पाल सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है, डॉग को हम घर की रखवाली के लिए पालते हैं, जैसे काऊ है, काऊ को मिल्क के लिए पालते हैं, हॉर्स को हम जैसे सामान लेने के लिए जैसे डालते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो इस पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें गोट्स दिखाई दे रही है, गोट मीन्स बकरी, तो बच्चों बकरी का भी दूध पलते हैं, जब क्या होती है एक बीमारी होती है, इलनेस होती है, जब हम बकरी का दूध पीते हैं। तो बच्चों ये हैं कुछ गॉड्स, तो देखो कुछ ब्राउन्स की हैं, 1 2 3, तो 3 ब्राउन्स कलर की गॉड्स हैं और 2 ग्रे कलर्स की हैं, तो टोटल कितनी हुई, 5, तो बच्चों टोटल कितनी हुई, 5 गॉड्स। तो देखो नेक्स्ट पिक में क्या है, नेक्स्ट पिक में 3 बैठी हुई हैं और 2 क्या जा रही हैं, गो अवे, 2 क्या जा रही हैं, 2 गॉड्स गो अवे,
जिसमें टू ब्राउन्स बैठी हैं और वन ग्रे क्या है बैठी है और एक वन ग्रे गॉट और ब्राउन गॉट गो अवे जा रही है। तो देखो नेक्स्ट पिक में क्या है, फाइव में से कितनी रह गई, लेफ्ट रह गई। लेफ्ट अवे मीन्स जो हम सब्ट्रैक्शन करके माइनस करके करते हैं, फाइव में से टू चली गई, ये सब्ट्रैक्शन की निशानी होती है, तो थ्री लेफ्ट हो गई। अब देखो हमने क्या करना है बच्चों, हमने इस पिक्चर से एक स्टोरी डिवेल्प की है जो हम यहाँ पे राइट करेंगे। नोट डाउन कर लेना बच्चों और इसको क्लास में नरेट करना है, आपने बोलना है। तो ये क्या है लड़का, बिल्लू। बिल्लू क्या लिखेंगे, बिल्लू हैज ए फार्म। बिल्लू के पास क्या है, एक खेत है। और बिल्लू के पास क्या है, बिल्लू हम बार बार नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम ही बरतेंगे क्योंकि ही क्या है, बॉय है। तो ही हैज सम पेट एनिमल्स, उसके पास कुछ पेट एनिमल्स हैं, लाइक गोट्स। पेट एनिमल्स में क्या है बच्चों, लाइक गोट्स। गोट्स मीन्स बकरी। तो बच्चों उसके पास क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, likes goats। तो वो क्या करता है, he looks after them, उनकी क्या करता है, देखभाल करता है। he looks after means देखभाल करना, क्योंकि बकरी भी क्या देती है, हमें मिल्क देती है। and also he makes basket, और वो क्या बनाता है, टोकरियां बनाता है स्टिक्स की, किन के लिए, उनको चारा डालने के लिए। और कौन सी ये है, by using bamboo sticks। तो बच्चों ये कौन सी स्टिक्स हैं, bamboo sticks। ये छड़ियों से क्या बनाता है, बास्केट। तो बच्चों इससे क्या शो होता है, इसलिए so it shows that, ये हमें पिक्स क्या दिखा रही है, जो बिल्लू है, बिल्लू क्या है, बिल्लू की जगह he is a hard working। hard working means मेहनत करने वाला बॉय, इज ए हार्ड वर्किंग बॉय, वो क्या है, एक मेहनती लड़का है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और ये आज की फर्स्ट क्लास की सीरीज का ये सब्जेक्ट मैथ भी आज हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों हुर्रे, गुड बाय, टेक केयर।